इस कहानी में हमें एक जादुई टीपॉट के बारे में दिखाया जाता है जो किसी के चोट लगने पर उसे पैसे देता है। ये टीपॉट एक कपल के हाथ लग जाता है। वो दोनों इस टीपॉट से काफी पैसे कमाने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो टीपॉट कैसे इनकी जिंदगी बर्बाद करने लगता है वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ब्रास टीपॉट। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एलिस के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता है। जॉन एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। जॉन का मकान मालिक रोज जॉन की वाइफ को किराए के लिए आकर परेशान करता है। जॉन का बॉस भी जॉन से कभी खुश नहीं होता। इस वक्त जॉन और उसकी वाइफ एलिस का बहुत बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि इन दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं है और इनके पास जो पैसे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जॉन की वाइफ एलिस भी जॉब ढूंढने की काफी कोशिश कर रही है पर कोई भी उसको जॉब नहीं दे रहा। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए ये दोनों रात को एक पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर इनके कपड़ों को देखकर कोई भी इनसे बात नहीं करता सिवाय इनके दो दोस्तों के। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इनके पास खाने को कुछ नहीं होता, इसीलिए ये बाहर से खाने के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं। जहाँ रास्ते में जाते हुए एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मार देता है, पर खुशकिस्मती से इन दोनों को कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जॉन से कुछ सवाल पूछने लगती है। तभी एलिस को वहाँ पर एक पुरानी चीजों की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान की मालिक एक ओल्ड लेडी होती है जिसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर टीपॉट होता है। उस टीपॉट को देखकर एलिस उस दुकान के अंदर चली जाती है और पता नहीं क्यों उसे वो टीपॉट अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। वो दुकान के अंदर उस टीपॉट को ढूंढने लगती है और जैसे ही वो टीपॉट उसके हाथ लगता है वो उसको चुराकर अपने साथ घर ले आती है। एलिस को वो टीपॉट इतना सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है कि वो उसे हर वक्त अपने साथ ही रखने लगती है। पर एक दिन जब एलिस अपने बालों को ठीक कर रही होती है तो उसको चोट लग जाती है। तभी पास रखे उस टीपॉट में कुछ हलचल होती है। एलिस टीपॉट को जैसे ही खोलकर देखती है तो उसे उसके अंदर से पैसे मिलते हैं। वो एक बार फिर से अपने आप को चोट पहुंचाती है और देखती है कि टीपॉट में फिर से हलचल हुई है जिसके अंदर फिर से पैसे निकलते हैं, जिससे अब वो समझ जाती है कि जब भी वो अपने आप को चोट पहुंचाएगी तो उसे टीपॉट में से पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर जॉन का बॉस उसको नौकरी से निकाल देता है। वो उदास होकर जब घर आता है तो उसे पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है। वो देखता है कि एलिस भी बेहोश पड़ी है और उसके शरीर पर चोटें लगी हुई हैं। तभी एलिस उठकर जॉन से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जॉन उसे उदास होकर बताता है कि उसके बॉस ने उसे आज नौकरी से निकाल दिया, जिसे सुनते ही एलिस जॉन को एक चपत लगा देती है ताकि उसे उस टीपॉट में से पैसे मिल सके। वो टीपॉट में से पैसे निकालकर जॉन को भी इस टीपॉट की सारी सच्चाई बता देती है और उसको मारने लगती है ताकि वो अपनी आंखों से टीपॉट में से पैसे निकलते हुए देख सके। अब रात हो जाती है लेकिन एलिस अभी भी अपने आप को थोड़ी थोड़ी चोट पहुंचाती रहती है। जॉन को पैसे कमाने का ये तरीका पसंद नहीं आता। वो एलिस से ऐसा करने को मना करता है, जिस पर एलिस उसको सुनाते हुए ये कहती है कि हमने कितनी कोशिश की पैसे कमाने की लेकिन हम नहीं कमा पाए, पर इस टीपॉट के जरिए हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना कुछ काम किए। मुझे तो ये लगता है कि ये टीपॉट भगवान का दिया हुआ हमें एक तोहफा है। इसीलिए अगले दिन जॉन उस टीपॉट को ले जाता है और एलिस के लिए एक लेटर छोड़ जाता है जिस पर ये लिखा होता है कि हम इस टीपॉट से पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि एक दूसरे को चोट देना हमारे लिए सही नहीं होगा। जॉन उस टीपॉट को लेकर उसी दुकान पर चला जाता है पर उस दुकान पर ताला लगा होता है, जिसके बाद जॉन उस टीपॉट को बेचने के लिए एक शो में चला जाता है जो टीवी पर लाइव चल रहा होता है। टीवी पर उस टीपॉट को देखकर एक एंशिएंट प्रोफेसर शॉक रह जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो इस टीपॉट के बारे में जानता है। टीवी शो वाले जॉन को उस टीपॉट के अच्छे पैसे नहीं देते, इसीलिए वो उस टीपॉट को वापस एलिस के पास ही ले आता है, जहां घर पर जॉन और एलिस ये डिसाइड करते हैं कि वो इस टीपॉट से 1 मिलियन रुपए कमाकर इसे किसी और को दे देंगे। अब वो दोनों पैसे कमाने के लिए अपने आप को चोट देने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, जैसे वैक्सिंग कराना, अपने दांतों को निकलवाना, टैटू बनवाना, जबकि वो टीपॉट से मिले पैसों को टॉयलेट में छुपाते रहते हैं। एक दिन घर पर इन दोनों के पास काली कोट पहने हुए दो भाई आते हैं और आते ही जॉन को मारते हुए ये पूछते हैं कि वो टीपॉट कहाँ है जो तुम हमारी ग्रैंड मदर यानी उस बूढ़ी औरत से चुरा कर लेकर आए हो। हम जानते हैं कि वो टीपॉट क्या करता है।
जॉन की जान बचाने के लिए एलिस झूठ बोलती है। वो उन दोनों से ये कहती है कि उन्होंने उस टीपॉट को बेच दिया, जिस पर वो दोनों भाई उससे टीपॉट को बेचने से जो पैसे मिले हैं वो मांगते हैं। एलिस उन्हें थोड़े से पैसे देकर वहां से भगा देती है, जिसके बाद अब जॉन और एलिस ये ठान लेते हैं कि वो इस टीपॉट की सारी हिस्ट्री जानकर ही रहेंगे। जिसे जानने के लिए वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक किताब से पता चलता है कि इस टीपॉट को इस्तेमाल करने के कुछ फायदे हैं और नुकसान भी। पर एलिस जान पूछ कर टीपॉट से होने वाले नुकसान के पेज को फाड़ लेती है, जिसका जॉन को पता ही नहीं चलता। एलिस जॉन से ये कहती है कि अब हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें इस टीपॉट का इस्तेमाल करके खूब सारे पैसे बनाने चाहिए और अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए। जॉन भी इस बात को मान लेता है। वो दोनों अपने लिए एक महंगी कार, घर और ना जाने क्या क्या खरीद लेते हैं। वो दोनों अपने बड़े और नए घर में अपने पुराने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाते हैं, जहां पार्टी के दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि एलिस अब पैसों की वजह से थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है। उधर पार्टी के बीच में ही इन दोनों के घर पर वही प्रोफेसर आ जाता है, जिसने उस टीपॉट को टीवी पर देखा था। वो इन दोनों से कहता है कि वो इस टीपॉट के बारे में सब जानता है, उस टीपॉट से तुम्हारी जान को खतरा है, उसे तुम मुझे दे दो। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करते हैं, वो उसको मना कर देते हैं कि उन्हें टीपॉट के बारे में उससे कोई बात नहीं करनी। उसी रात वो दोनों बैठकर टीपॉट की तारीफ कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए। जब तक ये टीपॉट हमारे साथ है, हम हमेशा अमीर रहेंगे। इन दोनों की ये सारी बातें इनका पुराना मालिक जैक बाहर खड़ा होकर सुन लेता है। वो तभी उनके घर में जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम इतने अमीर कैसे बने, पर अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं कमाने दूंगा। जैक उन दोनों से हाथापाई करके उस टीपॉट को बाहर फेंक देता है और उस पर से अपनी कार को लेकर चला जाता है ताकि वो टीपॉट टूट जाए। पर वो टीपॉट नहीं टूटता, जिसको देखकर एलिस और जॉन हैरान हो जाते हैं और अब वो उस टीपॉट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उस प्रोफेसर के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये टीपॉट बहुत पुराने समय का है, ये कई समय से अच्छे और बुरे लोगों के हाथ लगता आया है और आज ये तुम्हारे पास है। ये टीपॉट जिसके पास भी गया वो अंत में इस टीपॉट के हाथों बर्बाद हो गया। ये टीपॉट तुम्हारे अंदर की बुराई और तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ा देता है। अगर ये टीपॉट किसी गलत हाथ में पड़ा तो ये बहुत बुरा कर सकता है, इसीलिए तुम इस टीपॉट को मुझे दे दो, हम सबके लिए यही सही रहेगा। पर एलिस इस चीज के लिए मना कर देती है। वो जॉन को समझाती है कि शायद ही प्रोफेसर हमसे इस टीपॉट को छीनना चाहता है, इसीलिए हम उसको ये नहीं देंगे। उसी रात इन दोनों के घर पर वही काले कोट वाले दो भाई आते हैं और इन दोनों के टीपॉट से कमाए सारे पैसे चोरी कर ले जाने लगते हैं। तभी जॉन और एलिस भी शोर की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। एलिस के हाथ में वो टीपॉट होता है। वो दोनों भाई इन दोनों से बोलते हैं कि ये हमारा टीपॉट है, तुम दोनों ने जो भी पैसे इससे कमाए हैं वो हमारे हैं, हम जानते हैं कि ये टीपॉट तुम्हारे पास ही था, पर हमें ये टीपॉट नहीं चाहिए क्योंकि हम इस टीपॉट के नुकसान के बारे में जानते हैं, इसीलिए तुम भी अगर हमसे छुटकारा पाना चाहते हो तो इस टीपॉट से पीछा छुड़ा लो, वरना हम हर बार तुम्हारे पैसे लेने आएंगे। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। लेकिन तभी एलिस गुस्से में ये बोलते हुए उनके सिर पर टीपॉट मारती है कि ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। वो दोनों भाई इन दोनों को मारकर बेहोश करके पैसे ले जाते हैं। अगले सुबह जब इन दोनों को होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। वो दोनों दोबारा टीपॉट से पैसे कमाने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अब टीपॉट भी उन्हें पहले से कम पैसे दे रहा है, यानी अब पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने आप को गहरी चोट देनी होगी। इसीलिए वो दोनों शाम को एक क्लब में जाते हैं, जहां जॉन एक बड़े आदमी से लड़ाई कर लेता है। वो बड़ा आदमी उसको बुरी तरह से मारता है और उन्हें पैसे मिलते हैं। घर जाते हुए जॉन को फिर से वो प्रोफेसर मिलता है। वो जॉन की हालत देखकर उसको कहता है कि अभी भी वक्त है, उस टीपॉट को मुझे दे दो, वरना वो टीपॉट तुम्हें बर्बाद कर देगा और अंत में तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचेगा। उसी दिन एलिस को उस टीपॉट के बारे में एक नई बात पता चलती है कि इस टीपॉट से पैसे कमाने के लिए तुम्हें खुद को चोट देना जरूरी नहीं है, अगर इस टीपॉट के पास किसी को भी चोट लगती है तो भी ये पैसे दे देता है। इस बात को जानकर अब जॉन और एलिस हर उस जगह जाने लगते हैं जहां लोगों को किसी भी चीज की वजह से दर्द हो रहा होता है। वो हॉस्पिटल, फाइटिंग क्लब, टैटू शॉप जैसी जगह पर चले जाते हैं। इस नए तरीके से वो दोनों फिर से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन जॉन देखता है कि एलिस
टीपॉट की वजह से बदलती जा रही है। वो पैसे कमाने के लिए इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपने सामने चल रही एक औरत को कार से उड़ाने वाली होती है, लेकिन जॉन सही समय पर कार को मोड़कर उसको बचा लेता है, जिसके लिए एलिस उसको सुनाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी फिर से टीपॉट में से पैसे निकलते हैं, जिससे इन दोनों को एक और बात का पता चलता है कि अगर हम टीपॉट के सामने किसी को बुरा भला कहेंगे तो भी ये पैसे देता रहेगा। घर जाकर वो दोनों अब रोज एक दूसरे के राज खोलने लगते हैं। ये वही बातें होती हैं जो ये दोनों दिल में तो रखते थे लेकिन कभी बोलते नहीं थे। एक दूसरे का दिल दुखाकर इन्हें पैसे तो मिल रहे थे, पर ये दोनों अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। एलिस जॉन को बताती है कि वो उनके मकान मालिक जैक के साथ पहले सो चुकी है। ये बात सुनकर जॉन को इतना बुरा लगता है कि वो सारे पैसे उठाकर एलिस के मुंह पर मार देता है। जॉन तभी जैक को मारने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैक उल्टा ही उसको पीट देता है। ये दोनों अब एक दूसरे को अपने सारे राज बता चुके थे, इसीलिए अब ये दोनों दूसरों के राज बताने लगते हैं। जैसे ये अपने पड़ोसी को बताते हैं कि उसके कुत्ते को उसकी वाइफ नहीं मारा है। जॉन अपने बॉस की वाइफ को बताता है कि उसके बॉस का दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। एलिस तो पैसों के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि अपनी बहन का घर तोड़ने ही चली जाती है, लेकिन सही वक्त पर उसको होश आ जाता है और वो अपनी बहन का घर नहीं तोड़ती, पर अब वो इन छोटी छोटी चीजों से परेशान होने लगती है। वो रात को जॉन से कहती है कि हमें बार बार ऐसे पैसे कमाने से एक बार कोई बड़ी चीज करनी चाहिए। एलिस कहती है कि इस दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, हम अगर उनमें से किसी एक को भी मार देंगे तो लाखों कमा लेंगे और हमें फिर काम नहीं करना पड़ेगा। जिसके लिए अब वो दोनों एक कब्र खोदने लगते हैं जिसमें वो उस मारे हुए इंसान को दफनाएंगे, पर जॉन को ये सही नहीं लगता। वो एलिस को रोकते हुए कहता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, हम कोई खूनी नहीं है, ये टीपॉट तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। पर एलिस नहीं रुकती, जिस पर जॉन उससे ये सवाल पूछता है कि तुम्हें अगर इस टीपॉट और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगी। एलिस इस सवाल का जवाब भी नहीं देती, लेकिन जॉन को उसका जवाब मिल चुका था। वो उसी रात उस प्रोफेसर के पास जाता है और उससे कहता है कि हम उस टीपॉट से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, जिस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम्हें कैसे भी करके अपनी वाइफ एलिस से उसको लेना होगा, वरना वो उसके ऊपर काबू कर लेगा, और याद रहे ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जॉन घर आकर उस पेपर को भी पढ़ लेता है जिस पर टीपॉट से होने वाले नुकसान के बारे में लिखा हुआ था, जहां पर जॉन को पता चल जाता है कि इस पेपर को एलिस ने ही फाड़ा था। एलिस जॉन से माफी मांगते हुए कहती है कि वो इस टीपॉट को प्रोफेसर को दे देगी, लेकिन दूसरे ही पल वो जैसे ही उस टीपॉट को देखती है वो फिर से उसको देने से मना करने लगती है। इस चीज को देखते हुए जॉन खुद उस टीपॉट को लेकर घर की खिड़की से कूद जाता है, जिससे उसको काफी चोट लगती है और टीपॉट में से काफी सारे पैसे निकलते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर एलिस अब समझ जाती है कि ये टीपॉट उसके लिए जॉन से बढ़कर नहीं है। वो उस टीपॉट को प्रोफेसर को देने के लिए मान जाती है, लेकिन उसी रात इनका मकान मालिक जैक उस टीपॉट को चुरा लेता है, जिससे ये दोनों काफी खुश होते हैं कि आखिरकार इनका उस टीपॉट से पीछा छूट गया। लेकिन तभी उन्हें प्रोफेसर की बात याद आती है कि अगर ये टीपॉट किसी गलत हाथ में लगा तो काफी तबाही मचा सकता है, इसीलिए ये उस टीपॉट को लेने मकान मालिक जैक के घर चले जाते हैं। उसके घर के अंदर हर जगह सामान बिखरा हुआ होता है और जैक खुद भी काफी जख्मी होता है, यानी वो इस टीपॉट से पैसे बना रहा था। जैक इन दोनों पर बंदूक तान देता है। जॉन जैक से कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैंने इस टीपॉट के चक्कर में अपने आप को कितना दर्द दिया है, मेरी बात मानो, वो टीपॉट मुझको दे दो। लेकिन जैक उनकी एक नहीं सुनता, वो एलिस को मारने वाला होता है, जिसकी वजह से जॉन और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी जैक की वाइफ अंदर से आ जाती है, उसके हाथ में भी बंदूक होती है और उसके पास वो टीपॉट भी होता है। वो दोनों एलिस और जॉन को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही वहीं पर वो काले सूट वाले दोनों भाई आ जाते हैं और वो दोनों जैक और उसकी वाइफ के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उनसे वो टीपॉट देने को कहते हैं। पर तभी वो चारों एक दूसरे पर ही गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे उन चारों की मौत हो जाती है, जिसमें जॉन और एलिस को कुछ नहीं होता। इन चारों के मरने से टीपॉट में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। जॉन और एलिस अब उस टीपॉट के साथ उन पैसों को भी अपने साथ ले जाते हैं और उस प्रोफेसर को दे देते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर उस टीपॉट को बीच समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं, जिससे वो टीपॉट कभी भी किसी के हाथ ना लग सके। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर
खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि लालच से भरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वेल, इस कहानी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि लालच बुरी बला है। एलिस ने लालच किया जिसकी वजह से उसने अपना और जॉन का रिश्ता भी खराब किया और खुद को चोट भी पहुंचाई। लेकिन समय रहते एलिस को ये बात समझ में आ गई कि उसके लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट जॉन है, इसीलिए उसने ये टीपॉट देने का फैसला कर लिया। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये टीपॉट आपके पास होता तो आप क्या करते। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।